अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम हो गया मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी की भी जो कॉल हिस्ट्री होगी वो निकाल सकते हैं, और दूसरा मतलब अपनी भी निकाल सकते हैं। इसमें से दो तरीके होंगे। पहले जो ये तरीका होगा, इसमें आपको एक्सेल फाइल में मिलेगा सब कुछ, और जो दूसरा तरीका है उसके लिए मैं आपको ऐप बताऊँगा, वो लास्ट में बताऊँगा और वीडियो एंड तक देखना। उसमें आप ख़ुद का जो नंबर होगा ना, वो आप देख सकते हैं कि आपने किस किस को किस किस टाइम पर कॉल किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, तो सब्सक्राइब कर दें। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो अगर आप किसी और की कॉल हिस्ट्री निकलवाना चाहते हो तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। उसमें ये होगा कि उस बंदे ने जिस जिसको कॉल किया है, कब कब किया है, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब कब इसको किस बंदे को इसने SMS किया है, कब इसने कॉल किया है, तो कितनी ड्यूरेशन तक इनकी बात हुई है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर ड्यूरेशन दे सकते हैं, टाइम देख सकते हैं कि कितने बजे इसने कॉल किया है, कितने मिनट पे कॉल किया है, कितने सेकंड पे इसने रिसीव किया है, और ये डेट भी आप देख सकते हैं। और मतलब इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जो कि आप इसको अगर आप चाहते हैं कोई 3 मंथ की भी निकल सकती है, 6 मंथ की भी निकल सकती है। तो इस तरह से इनका अपना अपना जो मंथ होता है ना, उनमें आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, मैं ज़रा वापस ऊपर आ जाऊं। उसके बाद इसकी आती है सेल आईडी। मतलब आप जब भी किसी को कॉल करोगे ना, तो वो आपकी एक सेल आईडी होती है, वो आपकी यहाँ पर सेव होती है। उसके बाद आती है IMEI, मतलब किस मोबाइल जो सिम है वो किस मोबाइल के अंदर है। तो उस तरह से भी अगर आपका, आप ये भी कर सकते हो ना कि अगर आपका कोई मोबाइल गुम हो गया हो, अगर आप फाइंड करवाना चाहते हो, तो वो इस तरह से भी आप अपना मोबाइल फाइंड करवा सकते हो। तो ये इसका जो एड्रेस है वो बता रहा है कि कौन सा स्ट्रीट है, कहाँ से कॉल की है। तो मैं एक और बता देता हूँ आपको। तो इसकी अगर आपको इस तरह से किसी और की चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक व्हाट्सअप का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आप उससे जाके ये जो किसी और, अगर किसी और का निकलवाना हो तो वो आप इससे बंदे से निकलवा सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको और भी इस बंदे से काम करवाने हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि ये कौन कौन से और काम करता है। लाइव लोकेशन हो गया, प्राइवेट कॉल हो गई, फैमिली डिटेल्स हो गई, फेक व्हाट्सअप हो गया, ये जो भी चीज़ है ना, वो आप इससे ले सकते हो। फर्सी हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ आप सिंपली इससे कॉन्टैक्ट करके आप इससे ले सकते हो। तो अब अभी हम चलते हैं दूसरे जो तरीका है, क्योंकि मतलब आप अपना जो कॉल हिस्ट्री वो किस तरह निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपने आना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना होगा बैकअप रिस्टोर SMS, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर बैकअप रिस्टोर SMS सर्च करेंगे, तो उसके बाद आपने यहाँ पर इस वाले जो ये वाला ऐप है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं सिंपली अभी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ, और अभी आपको आगे का जो भी प्रोसेस होगा बता देता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद आपने सिंपली ये यहाँ पर क्लिक कर देना है, आई हैव रीड एंड एग्री विद द टर्म्स ऑफ यूज़, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। उसके बाद अगर आप इस पे क्लिक करोगे, तो इस पे मतलब आपसे सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये XML फाइल होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको SMS और कॉल लॉग मिलेगा, ठीक है। अगर आप PDF में आते हो, जो प्रिंट भी आप करवा सकते हो अपना जो भी है, उसमें आपको SMS मिलेगा, कॉल लॉग मिलेगा, WhatsApp चैट मिलेगी, कॉन्टैक्ट मिलेगा, SMS स्टैटिस्टिक मिलेगी, कॉल लॉग स्टैटिस्टिक मिलेगी, ठीक है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये सब कुछ आप देख सकते हो कि आपने किसको कब कब SMS किया है, कब कब उसने आपको मैसेज किया है, या कॉल आई है आपके पास, या आपने किसी को कॉल किया है, कौन सी डेट को कॉल किया। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। जो जनरल कॉल लॉग है, तो जनरल कॉल लॉग भी मैं अभी आपको बता देता हूँ जो इसमें कॉल लॉग है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर निकलवाता हूँ, जब 1 साल का निकलवाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 1 साल का निकल के आएगा, 25 मार्च से 2022 और 25 मार्च 2023, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने फाइल को कोई भी नाम दे देता हूँ, मतलब ये मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। आप किसी भी डेट का निकलवा सकते हो, जहाँ से मर्जी आप निकलवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2023 कर देता हूँ मैं, 2023 हो गया, ठीक है। मतलब अभी मेरा जो 1 दिन का होगा वो निकल के आएगा। मैं 1 दिन का निकलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम ही है कि मैं बाकी का निकलवाऊँ। मैं अपने फोल्डर को कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि ये हो गया सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये मैंने अपने जो फोल्डर, मतलब जहाँ पर आपका जो फोल्डर सेव होगा ना, तो वो उसका नाम है।
तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। आपने यहाँ पर सिंपली अलाउ कर देना है, अलाउ के बाद कॉन्टैक्ट को भी कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा एक दिन का है वो निकल के आ गया, ठीक है। तो ये टाइम हो गया और दूसरा ये ड्यूरेशन हो गया। अभी मैं आपको मतलब एक साल का निकलवा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम वापस बैग चलते हैं, यहाँ पर मैं 2023 को कर देता हूँ 2022। तो अब देखते हैं कि निकल के आता है कि नहीं। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं कि इसकी जो पूरी के पूरी जो हिस्ट्री है वो निकल के आ गई। तो ये मेरी सारी की सारी हिस्ट्री है कि मैंने जिस बंदे को जब जब कॉल किया है और कितनी ड्यूरेशन है। टाइम भी यहाँ पर बता रहा है आपको, यहाँ पर टाइप भी बता रहा है और जो फ़ोन नंबर है वो भी आपको बता रहा है। और यहाँ पर अगर आपने नाम उसका नाम सेव किया तो उसके नाम से भी आपको यहाँ पर दिखा देगा कि इस बंदे को आपने इतने इतने टाइम पे आपने कॉल किया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पूरे एक साल की हिस्ट्री है। मैं ज़रा थोड़ा और नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कि ये देख सकते हैं कि आप ये अब मुझे 2022 तक लेकर आ गया, ठीक है। तो ये मुझे 2022 तक लेकर आ गया। और आपको मतलब आप भी अगर इसको इस तरह करवाओगे ना तो सेम टू सेम आपका भी इसी तरह से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।